हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम्स। मेजर लीग सॉकर का मैच हो रहा है रियल साल्ट लेक वर्सेस एचडी के बीच 6 घंटे 56 मिनट के बाद। तो बात करें मेरा टेलीग्राम चैनल, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइस, हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। चलते हैं आगे, बात करें इस मैच की। रियल साल्ट लेक और एचडी टीम में भाई कन्फ्यूज़न बहुत है, क्योंकि मैं आपको क्लियर बोलूं तो ये मैच इस लीग का मतलब काफ़ी मुश्किल मैच है, मेजर इस लीग का, जिसके अंदर दोनों टीम्स की स्टैंडिंग्स मतलब रैंकिंग खास परफॉर्म करने की, एक टीम चौथे नंबर पे है तो दूसरी सातवें नंबर पे, कुछ खास फ़र्क है नहीं। और सबसे पहले मैं बात करूँ गोल कीपर की, यहाँ पर मैं लूँगा एस क्लार्क को। पहला रिस्क मेरा शुरू हो जाता है यहीं से, स्टीव क्लार्क से। पिछले मैच के अंदर भी मैंने स्टीव क्लार्क पर रिस्क लिया था एंड मैं अच्छा खासा इसके कारण आगे बढ़ गया था ओपोनेंट से, बट आज लोग जेड मैकमैथ को लेंगे। वो आपकी इच्छा, आप भी लो, जब मेरे को जरूरत होती है मैं भी लेता हूँ, लेकिन आज नहीं लग रहा है ऐसा। एंड आगे से अगर बात करें तो ग्लैड मेरी टीम में नहीं है, 9.5 क्रेडिट का इन्होंने जे ग्लैड कर दिया, तो मैं कैसे लूँ, इसलिए मैंने जे ग्लैड की जगह नीचे से ब्रॉडी ले लिया। ब्रॉडी अच्छा खेलता है, एंड्रयू ब्रॉडी ने पिछले मैच के अंदर भी गोल लगाया था। अरे बंदा शांत नहीं हो रहा, एक गोल किया उसके बाद फिर गोल की ट्राई, मेरे को लगा था दूसरा भी होने वाला है, वरना आज इस बंदे के पिछले मैच में 88 पॉइंट है ना, इसके 150 पॉइंट्स क्रॉस होते इस प्लेयर के अगर दूसरा गोल हो जाता। एंड आगे से बात करें, एक और प्लेयर यहाँ पर एडम ने पिछले मैच में विदाउट एनी गोल विदाउट एनी असिस्ट 71 पॉइंट दे दिए, जबकि पिछले मैच में बंदा फोर्थ डिफेंडिंग पर था, आज ही फर्स्ट डिफेंडिंग पे है। इसे कहते हैं प्रोग्रेस फ्रॉम ए सिंगल मैच, एक मैच में प्रोग्रेस है, तो मैं मानता हूँ। एंड आगे से अगर बात करें जेड आई की, देन जेका आई को देखते हैं कैसा खेलता है, क्योंकि जेका आई का खास जिक्र किया नहीं हुआ इन्होंने कब, मतलब ज़्यादा अच्छे परफॉर्मेंस में इन्होंने ठीक ठीक प्लेयर कहा है, तो सो मैं टीम में ले रहा हूँ। आगे से अगर बात करें पी रूइस की, देन यहाँ पर पैब्लो रूइस अगर खेलता है तो लूँगा, क्योंकि पैब्लो रूइस ने अपना लास्ट मैच खेला था, तो अगर पैब्लो रूइस खेलता है तो मैं लूँगा। पैब्लो रूइस की जगह आप चाहें तो भी इनका एक प्लेयर है डब्ल्यू वुड, आप इसको ट्राई कर सकते हैं अगर लेना हो, लेकिन मैं राय दूंगा कि सेफ जाओ। एंड आगे से बात करें जैस्पर की, देन यहाँ पर है जेफसर लॉफलसैंड, जैस्पर लॉफलसैंड देखते हैं क्या खेलता है। डी कैरन की अगर बात करूँ, डार्विन कैरन इज़ अ ग्रेट प्लेयर, बट कैरन बेचारा चलता बहुत कम है। कई लोग तो ये भी कहेंगे कि कैरन को बेधड़क ड्रॉप करेंगे, तो अगर ये ना चला तो उनके लिए तो फिर बेनिफिटेबल ही है। हमें ज़रूरी है कि ये चले, अब बहुत मुश्किल है इसका चलना, मैं आपको साफ बता दूँ, क्योंकि कैरन वैसे बहुत अच्छा प्लेयर है, लास्ट सीज़न बहुत अच्छा था, लेकिन इस सीज़न में कैसे बोल दूँ कि भाई वो कुछ करेगा, क्योंकि खास गोल में रिकॉर्ड्स नहीं है, खास असिस्ट में काम नहीं आया। तो अगर आपने भी कैरन बाकियों की तरह ड्रॉप करना है तो आप भी ले लो ग्लैड, वैसे कोई अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है पार्कर ले लो, तो जो भी आपको पसंद हो, मैं तो कैरन के साथ हूँ। आगे से बात करें वेरा की, मार्टिस वेरा इसको छोड़ के आप रॉड्रिग्स को ट्राई कर सकते हैं अगर करना हो, मैं राय दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा करो। एंड एम चेंग की बात करें, रियल साल्ट लेक का प्लेयर माइकल चेंग ने पिछले मैच में 15 मई को गोल लगाया था, तो वो गोल ही नहीं दिमाग से निकल रहा मेरे, बहुत अच्छा गोल किया था, मतलब एक ऐसी जगह पे गोल किया जहाँ पे गोल हो नहीं सकता था, मुश्किल गोल था जहाँ पे इसने गोल किया, तो मतलब अपनी टीम को जितवाने के लिए पूरा हकदार यही था। एंड आगे से अगर बात करें नेक्स्ट प्लेयर की, तो यहाँ पर है सर्जियो कॉर्डोवा कईयों का कैप्टन था पिछले मैच में, जिन मैंने देखा था कि मैं वैसे खेलता नहीं हूँ, मतलब मैं ये सुबह की लीग नहीं खेलता, आप कभी भी देखना मैं मेजर लीग सॉकर की टीम भी नहीं देता, ये सिर्फ मैं रात को वीडियो बनाता हूँ इसके ऊपर कि आपको हेल्प हो सके। कई बार तो क्या होता है कि मेरी 8-8 प्लेयर नहीं खेल रहे होते, इतना ख़राब स्क्वाड आता है कई बार, मैं खुद अपने मुंह से कह रहा हूँ। और कार्लोस सेबेस्टियन की बात करें, सेबेस्टियन फ्रेरा को तो आप जानते ही हो, एक मैच में नहीं चले तो अगले में चल जाएंगे, या तो ऐसे बंदे हैं, अगर एक में नहीं चले तो अगले में हैट्रिक करने का दम है। एंड आगे से बात करें कैप्टन की, कैप्टन है कार्लोस सेबेस्टियन और वाइस कैप्टन है कॉर्डोवा। ये मेरी टीम, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।